आज हम देखेंगे सम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला लास्ट क्लास में आपने देखा था कि uh, कुछ इस टाइप का पैराबोला था और उसका हमने इक्वेशन भी डिराइव किया था इक्वेशन uh, क्या था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स ठीक है ना ये इक्वेशन था इसमें फिर आपने uh, कई चीज़ें देखी ये जो पैराबोला है ये ओरिजिन uh, को है ना कहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो पे टच करता है और ये जो पॉइंट है दिस इज़ वर्टिक्स है ना इसको हम वर्टिक्स बोलते हैं तो इस पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स जो स्टैंडर्ड पैराबोला है इसका वर्टिक्स कहाँ पे है ज़ीरो ज़ीरो पे है आ, इस पैराबोला का फोकस होता है ए कॉमा ज़ीरो पे, है ना ये भी हमने समझा था इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना मैं आपको डिटेल में बताता हूँ जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था वो पूरा रिकैप करेंगे तो फोकस इज एट ए एंड जीरो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है यानी कि वो लाइन जो फोकस से पास होती है और पोपेंडिकुलर टू द एक्सेस है तो लेटेस्ट रेक्टम इसका होता है फोर ए ये भी हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में देन इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन क्या थी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो ठीक है ये थी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ठीक है इतना हमने समझा था लास्ट क्लास में मोरवर इस पैराबोला को हमने राइट हैंडेड पैराबोला ये नाम दिया था अब जरूरी तो है नहीं कि पैराबोला हमेशा हम राइट हैंड साइड में ही बनाएं हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में भी बना सकते हैं तो अगर वो सिचुएशन आती है पैराबोला हम ऐसे भी तो बना सकते हैं अगेन हमने ये वर्टेक्स जो है दिस इज ज़ीरो कॉमस जीरो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सेस दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सेस ऐसे सिचुएशन में जैसे कि हमने इसका डेरिवेशन किया था इसका भी अगर करना चाहें कर सकते हैं ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड मैं आपको जल्दी से इसमें इक्वेशन uh, बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला एंड इसका जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स ठीक है ना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स इसका भी वर्टेक्स जीरो कॉमा जीरो पे होता है इसका फोकस इसका फोकस था ए कॉमा जीरो पे लेकिन ये पैराबोला क्या है लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका फोकस हो जाएगा माइनस ए कामा जीरो ठीक है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रखते देखिए लेंथ का लेंथ को जो है उसको डायरेक्शन uh, से कोई लेना देना नहीं होता लेंथ मतलब एक पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पे भी लेंथ ऑफ लेटे स्टेक्ट्रम क्या रहेगा uh, आपका फोर uh, ए ही रहेगा ठीक है ना लेंथ ऑफ लेटस्ट एक्ट्रम विल बी फोर ए लेकिन इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इस तरफ आ जाएगा देखिए जैसे इसमें डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में था इस लेफ्ट हैंडेड पैराबोले में डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है राइट हैंड साइड में और ये वाला डिस्टेंस है पॉजिटिव ए तो ये जो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जीरो तो राइट हैंडेड पैराबोले के लिए डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो लेफ्ट हैंडेड पैराबोले के लिए डायरेक्ट्रिक्स एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जीरो ठीक है ना देन ये तो हमने समझा। देखिए, इस में जो ये एक्सेस ऑफ पैराबोला है दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस और हमें मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सेस का इक्वेशन है ना ये टेंथ में और एलिवेंथ में हो सकता है आपने क्वेश्चन भी किया हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली तो एक्स एक्सेस की इक्वेशन इज ऑलवेज वाई इक्वल्स टू जीरो ठीक है ना बीट पॉजिटिव एक्स एक्सेस बीट नेगेटिव एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस का इक्वेशन इज ऑलवेज वाई इक्वल्स टू जीरो ठीक है ना क्यों क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस में मैं कहीं पे भी जाऊँ एक्स की वैल्यू तो चेंज होते जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन इज वाई इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ एक्सेस लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में भी क्या होगी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो बात समझ में आ गई ठीक है ना तो ये आपने देखा लेफ्ट एंड राइट हैंडेड पैराबोला अब मैं आपको अब जरूरी तो है नहीं कि हम लेफ्ट या लाइट राइट साइड में ही बनाएं ऊपर और नीचे भी तो बना सकते हैं तो एक और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इस टाइप का हो सकता है विच इज कॉल्ड द अपवर्ड पैराबोला इसको हम बोल सकते हैं अपवर्ड पैराबोला ठीक है ना अपवर्ड पैराबोला अब देखिए दिस इज लेट्स से फोकस अब देखिए सिमेट्री याद रखना ये जो पैराबोला ये हमेशा सिमेट्रिकल होता है इसमें फिर इक्वेशंस भी हमें uh, एक से दूसरा ऐसे निकाल सकते हैं देखिए जो राइट हैंडेड पैराबोला था इसमें इक्वेशन क्या थी y2 4ax फोकस क्या था a, 0 वर्टेक्स क्या था जीरो लेटेस्ट जीरोस्ट क्या था फोर ए इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या था वाई इक्वल्स टू जीरो हमने समझा था यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस अब यहाँ पे पैराबोला किस पे आ गया वाई एक्सेस के ऊपर है ना वाई एक्सेस जो है इस पैराबोला को है ना एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई ने तो हम क्या करेंगे इक्वेशन में एक्स की जगह वाई वाई की जगह एक्स डाल देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा इस अपवर्ड पैराबोला का यानी इसकी इक्वेशन होनी चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर इस पैराबोला का जो एक्सेस है एक्सेस ऑफ पैराबोला इज नथिंग बट देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सेस और ये हो गया आपका y एक्सेस दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ पैराबोला विल बी एक्स इक्स टू जीरो था यहाँ पे पैराबोला का एक्सेस क्या है है एक्सेस और y -axis में ठीक तो equation of access, पे क्या हो गया एक्स इक्वल टू जीरो जीरो ही रहेगा अ प्रॉब्लम फोकस देखिए यहाँ पे क्या था ए कॉमा जीरो था तो यहाँ पे फोकस क्या होगा x को y, y को x बना दो यहां पे y क्या था जीरो था तो वो बन गया यहाँ पे x। यहाँ पे x क्या था a। वो क्या बन जाएगा y। तो जीरो कॉमा ए हो गया आपका फोकस ठीक है बात समझ में आई आगे देखिए इसी तरीके से एक पैराबोला और होता है जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला को बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला ठीक है डाउनवर्ड पैराबोला में अगेन वर्टेक्स कहां पे होगा जीरो कामा जीरो पे फोकस कहां पे होगा अब देखिए अपवर्ड से डाउनवर्ड को कंपेयर करते हैं यहां पे अगर जीरो कामा ए है दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सेस तो डाउनवर्ड है नेगेटिव वाई एक्सेस तो डाउनवर्ड में फोकस क्या होना चाहिए जीरो कामा माइनस इक्वेशन ऑफ एक्सेस अगेन टू जीरो ही रहेगा अच्छा यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज बोल गए वो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अच्छा जो आपका राइट हैंडेड पैरा बोला था इसको इससे हमने कंपेयर किया था यहाँ पे एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो मिला था राइट right? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया x को किससे रिप्लेस किया y से तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होना चाहिए y equal, y इक्वल वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो अब क्योंकि अपवर्ड पैराबोला y प्लस ए इक्वल्स टू जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए y माइनस ए इज इक्वल टू जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ठीक है इतना समझ में आ गया तो देखिए बेसिकली लाइक ये जो चार टाइप के पैराबोल हैं अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट एंड राइट इसका हम एक चार्ट बना लेते हैं मैं आ, आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ये चार्ट बना के आप हमेशा अपने सामने रखें जैसे एक फॉर्मूले के अलग से आप नोटबुक बनाते हैं ऐसे उस फॉर्मूले में ये चार्ट को भी इंक्लूड कर लीजिए तो इसको रेफ़र कर करके अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो आ, आपको ये फॉर्मुलेस भी बड़ी इजीली याद हो जाएंगे ठीक है ना तो सबसे पहले हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स ठीक है ये पैरा बोला है सेकेंड पैरा बोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स तीसरा पैराबोला बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई चौथा पैराबोला है माइनस फोर ए वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई अच्छा अब देखिए है ना क्या क्या यहाँ पे सिमिलैरिटीज हैं क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो सब हमें पता चल जाएगा दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला लेफ्ट हैंडेड पैराबोला दिस इज अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज डाउनवर्ड ठीक है तो ये नाम तो ध्यान में रहे बाकी आगे देखिए अब तो बेसिकली पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन या तो मुझे वाई स्क्वायर एक्स मिल रहा है या फिर एक्स स्क्वायर के साथ वाई मिल रहा है ना अब यहाँ पे हम इक्वेशंस देखेंगे सॉरी नॉट इक्वेशन बट इसकी आ, बाकी कंपोनेंट्स देखेंगे लाइक वर्टेक्स इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा ऑरिजिन पे इसका भी वर्टेक्स ऑरिजिन पे इसका भी वर्टेक्स ऑरिजिन पे ऑरिजिन पे ठीक है वर्टेक्स के बाद, फोकस, जो राइट हैंडेड पैराबोला इसका फोकस हमने क्या लिया था ए कॉमा जीरो तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा सिर्फ एक माइनस साइन आ जाएगा बाकी सब वही का वही अपवर्ड पैराबोला x को y है ना राइट right और अपवर्ड जो है मिलते जुलते हैं सिर्फ x को y y को x बनाना है यानी 0, a है ना a की जगह 0 आ गया 0 की जगह a आ गया डाउनवर्ड के लिए यही चीज रहेगी लेकिन सिर्फ एक माइनस साइन आ जाएगा क्या हो गया ये फोकस हो गया फोकस के बाद लेटर स्ट्रेक्टम लेटर स्ट्रेक्टम यहाँ पे 4a होता है यहाँ पे भी है ना बेसिकली लेंथ ऑफ रेक्टम तो obviously length जो है उसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता हम हमेशा लेते हैं ठीक है डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है equation of तो राइट पैराबोला एक्स एक्सेस है यहां पे भी है ना राइट right हो चाहे लेफ्ट हो अगर वाई में स्क्वायर लगा है तो इक्वल टू जीरो डाल दीजिए x में स्क्वायर लगा है तो x इज इक्वल टू जीरो डाल दीजिए ठीक है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये बच गया है ना तो यहां पे क्या था एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो अच्छा अपवर्ड डाउनवर्ड में क्या होता है ये x जो है y में बदल जाता है अपवर्ड के लिए है y प्लस ए इज इक्वल टू जीरो तो डाउनवर्ड के लिए है y माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आपका चार्ट बन गया है ना हमने वर्टेक्स uh, देख लिया है ना पोजीशन ऑफ वर्टेक्स या कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ठीक है ना देन फोकस यानी पोजीशन ऑफ फोकस या कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस लेटेस्ट रेक्टम यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम then य हैव इक्वेशन ऑफ एक्सेस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ठीक है तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जो uh, आपके लेफ्ट राइट अप डाउन ये जितने भी पैराबोलर्स हैं उसको हमने ऐसे uh, आप चार्ट फॉर्म में है ना ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं क्या सिमिलैरिटीज़ हैं क्या डिफरेंसेस हैं तो ये चार्ट आप ध्यान में रखिए इसके बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं मैं जो एटलीस्ट एन के जो हैं जो एन सी आर टी टेक्सट बुक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो तो इसके बेसिस पे हो जाएंगे मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बताऊँगा उसका रीज़न है कि कई बार कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं प्लस कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है अब अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप कर पाएंगे है ना तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आ, करवा दूंगा अपार्ट फ्रॉम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है, ठीक है आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना एक आ, मैं क्वेश्चन लेता हूँ नाउ इसको मैं बोल सकता हूं द टाइप वन क्वेश्चन ठीक है ना टाइप वन क्वेश्चन जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है जहाँ पे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है हम वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो पैराबोला है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको यूज नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पे हमने जो पैराबोला की डेरीवेशन की थी वो डेरीवेशन वाला मेथड यूज करेंगे ठीक है ना कैसे मैं आपको uh, अभी समझाता हूँ आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला Find the equation of parabola whose focus is at focus is at minus one and minus two and directrix is an equation of directrix equation of directrix is x minus 2y plus 3 ठीक है दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन टाइप वन क्वेश्चन है ये अब देखिए इसमें हम जो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला थी वो आ, जो डेरिवेशन था हम आ, उस टेक्निक को यूज करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे मैं एक स्केच uh, बनाता हूँ है ना रफ स्केच है ना विदाउट यूजिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज दिस इज द पैराबोला ठीक है एंड लेट्स से दिस इज द फोकस एंड लेट्स से दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स अब यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे फोकस क्या दिया हुआ है नेगेटिव वन एंड नेगेटिव टू दिस इज फोकस ठीक है एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया हुआ x है एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो ठीक है ना माइनस वन एंड माइनस टू आपका फोकस है एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री टू जीरो आपका डिरेक्ट्रिक्स है अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया इस फोकस के कोऑर्डिनेट को एक नाम दे दिया लेट से एस लेट पी बी एनी रैंडम पॉइंट डेरिवेशन हमने ऐसे ही किया था लेट पी बी एनी रैंडम पॉइंट ऑन द पैराबोला एंड लेट इट्स कोऑर्डिनेट बी एक्स कॉमा वाई तो पी एस ये हो गया पी से मैंने क्या किया एक पर्पेनिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर एंड लेट द फुट ऑफ द पर्पेनिकुलर बी एम ठीक है ना तो आ, ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे है ना आ, टेक एनी रैंडमली चूज टेक एनी आर्ब्री पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई सच दैट एंड फ्रॉम पी ड्रॉप अपटिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स है ना मीटिंग द डायरेक्ट्रिक्स एट एम एंड जॉइन पी एस ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं चाहे तो अब यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पैराबोला की डेफिनेशन क्या है कि पी एस इज इक्वल टू पी एम क्योंकि यहाँ पे इस सेंट्रिसटी वन होता है ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बता चुका हूँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू पी एम है ना देयर आर डिस्टेंसेस पी एस इज इक्वल टू पी एम इन डिस्टेंस अब देखिए पी एस डिस्टेंस क्या होगा हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मोला डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस माइनस वन ठीक है होल स्क्वायर एंड वाई माइनस माइनस टू होल ना ये हमने क्यों लगाया ये आपको मालूम होगा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अंडर रूट में है ना ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है टेंथ uh, में भी क्या होगा सपोज दिस इज एक्स वन वाई वन एंड लेट्स एक्स टू एंड वाई टू तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि ये जो डिस्टेंस है सपोज दिस इज ए बी देन डिस्टेंस ए बी इज रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन एंड वाई टू माइनस वाई वन अंडर रूट के अंदर ये फॉर्मूला होता तो उसी फॉमूले में मैंने ये वैल्यूज डाल दी हैं ठीक है ना और कुछ भी नहीं किया है नाउ सी एक्स माइनस माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन तो मैं इसको लिख लूंगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अच्छा वाई माइनस माइनस टू होल स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस टू होल स्क्वायर ये तो हमने पी एस निकाल लिया है ना दस डिस्टेंस पीएम कैसे निकाला जाए पीएम निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा mm. ये स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है सपोज ये कोई भी एक पॉइंट है एक्स वन एंड वाई वन और लेट्स से ये कोई भी एक लाइन है ए एक्स वाई c इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है और बाय डिस्टेंस वी मीन पर्पेनिकुलर डिस्टेंस अंटलैंडलेस अदरवाइज स्टेटेड है ना हम इसको कभी भी अगर हमें डिस्टेंस बोला जा रहा है तो हम पर्पेनिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे अनटेलैंडलेस हमें क्वेश्चन में ही कुछ ऐसा बोला है कि नहीं पर्पनिकुलर डिस्टेंस नहीं ये वाला डिस्टेंस निकालो तो ये जो डिस्टेंस है ये हम निकालने आ, इसको निकालने के लिए सपोज दिस डिस्टेंस इज़ डी तो स्ट्रेट लाइन टॉपिक में आ, हमने पढ़ा है कि ये जो डिस्टेंस डी है दिस इज दिस डिस्टेंस इज मॉडल ऑफ ए एक्स वन है ना बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स को रिप्लेस करो इस पॉइंट से है ना एक्स की जगह आ गया एक्स वन बी है ना मुझे इस पूरे इक्वेशन को लिखना है ए एक्स बी वाई एंड सी इस पूरे इक्वेशन को लिखना है लेकिन हमने किया क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स वन से मतलब एक्स को हटा के मैंने एक्स वन डाल दिया वाई को हटा के वाई वन डाल दिया ठीक है इतना करने के बाद अंडर रूट लिखा जो एक्स का कोफिशियंट ए है स्क्वायर किया जो y का कोफिशियंट b है स्क्वायर किया रूट के अंदर लिख दिया ये फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का ठीक है ना ये स्ट्रेट लाइन में हमने किया हुआ है तो ये फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे देखिए, एक्स वाई इज द पॉइंट एंड इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास है एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो जो पीएम है, है ना ये तो पी एस आ गया पी एम मुझे निकालना है ये हो जाएगा मॉड में देखिए क्या करना था ए एक्स वन बी वाई वन सी तो मैं एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री लिख लूंगा ये लिख लूंगा मुझे एक्स को किससे रिप्लेस करना है जो पॉइंट गिवन है अब पॉइंट में एक्स की जगह क्या है वापस एक्स ही है मतलब एक्स को हटा के मैं वापस एक्स डाल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा वाई को हटा के वापस क्या डालना है अगेन वाई डालना है कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर ए यानी कि एक्स का कोफिशियन एक्स का कोफिशन क्या है वन तो मुझे यहाँ पे वन का स्क्वायर लिखना है वाई का कोफिशियन है ना बी स्क्वायर यानी वाई का कोफिशियन वाई का कोफिशियन क्या है माइनस टू तो मैं माइनस टू का स्क्वायर लिख लूँगा रूट के अंदर मॉड लगा दूंगा ये आ गया हमारा डिस्टेंस ठीक है इतना समझ में आ गया आगे देखिए अब पी एस इज इक्वल टू पी एम ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं दैट मीन्स रूट ऑफ वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर नीचे सॉल्व कर लेते हैं वन का स्क्वायर वन एंड टू का स्क्वायर फोर में मिल गया देखिए दोनों तरफ रूट है तो हम एक काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो रूट भी हट जाएगा तो इतना करने के बाद हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ से रूट हट जाएगा है ना बेसिकली मुझे रूट ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर लिखना है y प्लस टू होल स्क्वायर लिखना है इज इक्वल टू ये सारा एक्सप्रेशन लिखना है x माइनस टू वाई प्लस थ्री और नीचे लिखना है फोर प्लस वन फाइव मॉड्यूल में हमने स्क्वांग बोथ साइड किया हुआ है दैट मींस मैंने यहाँ पे लिख लिया होल स्क्वायर और इस मॉड्यूलस के बाहर भी मैंने लगा दिया होल स्क्वायर अब देखिए एक रूल है मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना तो ये जो मॉड्यूलस है वो हट जाता है तो मॉड्यूलस uh, यहाँ से हट जाएगा अच्छा दूसरी चीज स्क्वायर जब भी हम करते हैं रूट हट जाता है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है सिर्फ सिर्फ एक्स बचेगा तो हमने यहां पे क्या किया रूट और स्क्वायर हटा के लिख दिया एक्स प्लस वन, होल यहाँ पे लिख दिया, वाई प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब देखिए यहां पे ये यह होल स्क्वायर है लेकिन न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है तो एक बात ध्यान रखिए अगर मुझे ए अपॉन बी होल स्क्वायर करना है तो इसको मैं ए के ऊपर स्क्वायर अलग बी के ऊपर स्क्वायर अलग ऐसे ऐसे लिख सकता हूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया ये जो न्यूमरेटर में एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री है इसको तो होल स्क्वायर लिख दिया नीचे रूट फाइव के ऊपर मैंने स्क्वायर जब लिखूंगा तो रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएगा तो क्या बचेगा जस्ट फाइव तो नीचे हमारे पास सिर्फ फाइव आ गया इतना समझ में आ गया अब आगे सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर कुछ फॉर्मूलेज हैं जो यहां पे यूज करने ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना वो फॉर्मूले हम इन दोनों एक्सप्रेशन में लगा लेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ठीक है ना हालांकि ए माइनस बी प्लस सी होना चाहिए लेकिन हम इस जनरल फॉर्मूले को यूज करके माइनस साइन को साथ में ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी ए ये फॉर्मूला है अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला यही बना देता हूँ आपको जैसे ये सेकेंड टर्म नेगेटिव है मुझे इस बी को क्या करना है माइनस करना है तो ध्यान रखिए ये स्क्वायर वाला टर्म यहाँ माइनस हो या प्लस हो हमेशा प्लस रहेगा स्क्वायर वाले टर्म को मुझे नहीं छेड़ना है अब देखिए बी के आगे माइनस साइन है ना जब भी सिंगल टर्म नेगेटिव हो तो ध्यान रखना यहाँ पे जहाँ जहाँ बी है उसके आगे, आगे आप माइनस कर दीजिए ये बन गया फॉर्मूला ठीक है जहां जहां पे बी है वहां पे आप माइनस कर दीजिए दैट्स इट अगर दो माइनस होते तो जहां पे दोनों है वो प्लस हो जाएगा अगर अकेला बी है अकेला सी है, है ना तो ऐसे आप जो है ध्यान रखेंगे तो अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूं ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स इंटू वन वन स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर टू इंटू वाई इंटू टू टू साइड पूरा सॉल्व हो गया इज इक्वल टू होल स्क्वायर लगाते हैं ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि टू वाई का स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि थ्री का स्क्वायर माइनस टू ए भी है तो हम सीधे सीधे माइनस लिख लेते हैं ठीक है टू ए की जगह क्या है यहाँ पे एक्स है बी की जगह क्या है यहाँ पे टू वाई है माइनस ठीक है बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ माइनस टू वाई है तो यहाँ माइनस टू वाई क्यों नहीं लिखा देखिए फॉर्मूला जब हम बना चुके हैं तो माइनस प्लस हमें नहीं सोचना है टू ए भी हो गया माइनस टू बी सी तो टू बी की जगह क्या है टू वाई और सी की जगह क्या है थ्री माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए तो टू सी सी कितना है थ्री और ए कितना है एक्स ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय क्या था फाइव था तो मैं नीचे फाइव लिख लूंगा ये हमने कर लिया अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने दट इट तो ये हो गया एक्स स्क्वायर टू इंटू वन इज टू तो ये हो जाएगा टू एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा वन वाई स्क्वायर एज इट इज टू टूज ऑफ फोर टू का स्क्वायर अगेन फोर इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू वाई का स्क्वायर टू वाई इंटू टू वाई कितना होता है टू टू जोर एंड वाई स्क्वायर टू इंटू टू इज फोर वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर तो टू वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर अच्छा थ्री का स्क्वायर क्या बन जाएगा नाइन माइनस का साइन टू टू ज फोर एक्स एंड वाई ठीक फोर एक्स एंड वाई अच्छा माइनस यहां पे टू इंटू टू फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व वाई हो गया टू थ्री जिक्स तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स सारी चीजें सॉल्व हो गई नीचे क्या है हमारे पास फाइव है इस फाइव को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं ठीक है ना देखिए फाइव मल्टीप्लाइड बाय दिस होल एक्सप्रेशन एक्स है ना वाई स्क्वायर रीअरेंज करते जाते ठीक है एक्स स्क्वायर लिख लिया वाई स्क्वायर लिख लिया अब एक्स वाला कॉम्पोनेंट लिख लीजिए वाई वाला कॉम्पोनेंट लिख लीजिए ये हो गया क्या बचा वन बचा और फोर बचा वन प्लस फोर ठीक है तो ये वन भी हो गया फोर भी हो गया दोनों को कंबाइन करके फाइव लिख लिया बीच में का सिंबल यहां पे भी मैं रीअरेंज करूंगा पहले एक्स स्क्वायर लिखूंगा ये हो गया वाई स्क्वायर लिखूंगा ये हो गया एक्स वाई है ना एक्स वाई और एक्स वाई तीन चीजें हैं ठीक है ना एक्स वाई और एक्स वाई तो मैं पहले एक्स लिख लेता हूँ ये हो गया फिर वाई लिख लेता हूँ फिर एक्स वाई लिख लेता हूँ ठीक है एक्स वाई पहले भी लिख सकते हो आप है ना पहले ही लिखना था वैसे अ uh, प्रॉब्लम ये हो गया अच्छा अब क्या बच रहा है नाइन बच गया तो इस नाइन को लिख लेते हैं ओके दिस पोर्शन इज डन अब सिंपलीफाई कर लीजिए दैट इट आपका आंसर आ जाएगा लाइक फाइव इंटू एक्स इज़ फ़ाइव एक्स स्क्वायर फ़ाइव इंटू वाई इज़ फ़ाइव वाई स्क्वायर फ़ाइव टू ज़ा टेन एक्स फ़ाइव फोर ज़ा ट्वेंटी वाई फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव है ना ये फाइव इंटू एक्स फ़ाइव एक्स स्क्वायर फ़ाइव वाई फ़ाइव टू ज़ा टेन एक्स फ़ाइव फ़ोर ज़ा ट्वेंटी वाई फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई कर लिया ये हो गया सबको एक तरफ ले आइए आपका इक्वेशन आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा एज इट इज लिखता हूं अब देखिए अब मैं इसी स्टेप में कर लूंगा राधर बढ़ाऊं यह एक्सक्वायर जो है इक्वालिटी के दूसरी साइड में था जब ये इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी कि ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा इसको मैंने इसके सामने लिख लिया फाइव एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर डन प्लस लिखा फाइव वाई स्क्वायर लिखा फोर वाई को जब मैं इस तरफ लाऊंगा ये हो जाएगा माइनस फोर वाई स्क्वायर फाइव वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर डन अच्छा टेन एक्स को मैं लिख लेता हूं एज इट इज देखिए जो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है उसकी साइन एज इट इज रखिए जो राइट right साइड में है जब वो ट्रांसफर होगा उसका साइन चेंज होगा तो सिक्स एक्स के आगे प्लस साइन था ये बन जाएगा माइनस एंड 10. है तो मैं 20y को एज इट इज लिखता राइट हैंड साइड में मेरे पास ट्वेल्व वाई है लेकिन नेगेटिव है तो वो दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा पॉजिटिव ट्वेल्वी वाई डन अच्छा अब एक्स वाई वाला कॉम्पोनेंट यहाँ पे नहीं है लेकिन राइट हैंड साइड में है तो उसको मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर करता हूँ तो वो हो जाएगा प्लस है ना क्योंकि माइनस है ये ट्रांसफर हो रहा है तो प्लस फोर एक्स वाई ठीक है हमने एक ही साथ क्या है सारे काम कर लिए ट्रांसफर भी कर लिया और रीअरेंज भी कर लिया है ना अगर मुश्किल लगता है तो आप फिर स्टेप वाइज भी कर लीजिए तो फोर एक्स वाई इज ऑल्सो डन क्या बज गया आप ट्वेंटी फाइव नाइन बज गया ट्रांसफर करो माइनस बन जाएगा इज इक्वल टू देखिए यहाँ की सारी चीज़ें ट्रांसफर हो गई तो इधर कुछ भी नहीं बचा कुछ नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं जीरो लिखते हैं ये आ गया अब इसको मुझे सिर्फ फर्दर सिंप्लीफाई करना है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करना है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा Four x square. Five y square minus four y square. Y square. Ten x minus six x. Twenty y plus twelve y. Twenty plus twelve. Four x y. Twenty five minus nine. कितना आ गया ये गया आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला अब देखिए ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखी है वो नहीं है ठीक है ना लेकिन हाँ ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ठीक है इतना समझ में आया एक एग्जांपल में और आपको बताना चाहता हूं इसी आ, क्वेश्चन यही रहेगा बस कोऑर्डिनेट और जो डायरेक्ट्रिक्स है वही जो फोकस है और जो डायरेक्ट्रिक्स है वही चेंज होगा बेसिकली ये क्वेश्चन है जहां और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है आपको क्या करना है एक क्वेश्चन ऑफ पैराबोला निकालना है आपको जैसे मान लीजिए फोकस दिया हुआ है जीरो जीरो ठीक है ना और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है टू एक्स माइनस वाई माइनस वन टू एक्स माइनस वाई माइनस वन ये आपको क्या दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखिए अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो यहाँ पे ये स्केच भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम बना लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है है ना सपोज दिस इज़ पी दिस इज एस एंड दिस इज ज़ीरो एंड जीरो देखिए ये क्वेश्चन जो है सेपरेट बेको बिकॉज क्या है कि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स किया हुआ है उसमें वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे होता है ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है फोकस जो है वो ओरिजिन पे दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है है ना तो अगेन हम पी एस इज इक्वल टू पी एम ले लेंगे है ना पी यहाँ पे क्या है पी इज एनी पॉइंट एक्स कॉमा ऑफ वाई तो हम आ, पी एस अच्छा पी एस में क्या लिख लूंगा एक्स माइनस जीरो एंड वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर ठीक है ना डायरेक्टली किया जा सकता है अच्छा पी एम पीएम में देखिए मुझे करना क्या है वेरी सिंपल पी एम जब भी मुझे निकालना होता है यानी इस एक्स वाई का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से आप सिर्फ इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए है ना और डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशेंट स्क्वायर कर दीजिए रूट के अंदर वाई का कोफिशेंट स्क्वायर कर दीजिए रूट के अंदर दोनों को ऐड कर दीजिए कहानी ख़त्म ठीक है ना अब सिर्फ मुझे इसको सॉल्व करना मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है ना तो लास्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझाया तो अब टाइम लगा अदरवाइज ये बहुत सिंपल है एक्स माइनस ज़ीरो यानी कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस जीरो यानी कि वाई स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास टू एक्स माइनस वाई माइनस वन ठीक है ना अपॉन टू का स्क्वायर फोर और ये वन फाइव ये रूट के अंदर आ गया मॉड में आ गया ठीक है ना फॉमूला लगा लेंगे हम देखिए यहाँ पे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है मैं जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रूट है वो तो हट जाएगा यानी मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचेगा राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है है ना मॉड हट जाएगा ये जो नीचे रूट है रूट हट जाएगा सिर्फ फाइव बचेगा डायरेक्टली करते हैं फाइव को मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूं तो ये फाइव, फाइव वाई स्क्वायर बन गया या तो मैं इसमें ए प्लस बी प्लस ही होल स्क्वायर का एक्सपेंशन लगा के माइनस साइन देखते जाऊं या फिर मैं पहले से फॉर्मूला बना लूं देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो फिक्स है इ रिस्पेक्टिव ऑफ किसके आगे क्या माइनस साइन है ठीक है ना अगर यहाँ पे प्लस और प्लस होता ये होता टू ए बी बी सी एंड टू सी ए होता मैं अगर यहाँ पे बी को माइनस करता हूँ अब देखिए वन विल गो वन बाय वन बी को माइनस करता हूँ तो जहाँ जहाँ मुझे बी दिख रहा है मुझे उसको माइनस करना है यानी यहाँ पे मुझे बी दिखा यहाँ पे मुझे बी दिखा मैंने इन दोनों को क्या किया माइनस कर दिया ये बात समझ में आई अब मैंने सी को भी माइनस करना है तो जहाँ जहाँ सी दिख रहा है मुझे उसको भी माइनस करना है तो देखिए सी मुझे यहाँ दिख रहा है मुझे इसको माइनस करना है और सी मुझे यहाँ दिख रहा है इसको मुझे माइनस करना है लेकिन पहले से माइनस है तो मैं माइनस और माइनस यानी कि इसको प्लस बना लूँगा बन गया फार्मूला ठीक है समझ में आ गया गो वन बाय वन आपका फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू एक्स का होल स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर वन का होल स्क्वायर या फिर स्क्वायर मैं लिख लूँगा माइनस टू ए की जगह लिख लेंगे टू एक्स बी की जगह लिख लेंगे वाई प्लस टू बी सी है ना ए की जगह टू एक्स है बी की जगह वाई है और सी की जगह वन है टू बी सी ये फॉर्मूला है टू बी की जगह वाई और सी की जगह वन ये हो गया एंड टू सी ए माइनस में है तो हम लिख लेंगे माइनस मैं ऊपर लिख लेता हूं टू सी की जगह है वन एंड ए की जगह है टू एक्स अब क्या मिला हमें लेफ्ट हेंड साइड में तो एज एट इज फाइव एक्स स्क् राइट हैंड साइड में आपके पास टू एक्स का होल स्क्वायर यानी कि फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज एट इज वन का स्क्वायर टू टू ज फोर एक्स वाई Into one two, two to the four and x, ठीक है ना टू इंटू टू फोर इंटू वन फोर आ एक्स एवरीथिंग ऑन वन साइड फोर एक्स स्क्वायर को यहां ले आते हैं तो देखिए फाइव एक्स स्क्वायर है पहले से फोर एक्स स्क्वायर यहां पे ले आए ये दोनों हो गया फाइव वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं साइन चेंज हो जाएगा वाई स्क्वायर इज डन बाकी तो यहाँ कुछ है ही नहीं तो ये सब को इधर लेके आ जाइए सबका सिर्फ साइन चेंज कर लीजिए तो मैं इस फोर एक्स वाई को दूसरी तरफ ले आता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा मैं इस फोर एक्स को ले आता हूँ तो ये प्लस फोर एक्स बन जाएगा मैं इस वाई को ले आता हूँ तो ये माइनस टू वाई बन जाएगा और इस वन को भी मैं दूसरी तरफ ले आता हूँ तो ये माइनस वन बन जाएगा देखिए फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर फाइव वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यह हो जाएगा टू वाई एज इट इज माइनस वन एज इट इज इज इक्वल टू जीरो दिस इज माई आंसर ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला ठीक है तो ये आपको समझ में आया द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन या द वेरी बेसिक क्वेश्चन ये एन में ऐसे एग्जाम्पल नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको कराया है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसे मिले तो वहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सको ठीक है क्लियर है ये